पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। उनके काफिले को पंजाब में जिस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहना पड़ा, वो जगह पाकिस्तान सीमा से ज़्यादा दूर नहीं थी। ऐसे में उनके इस काफिले को बहुत ज़्यादा खतरा था। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं चन्नी सरकार के ऊपर। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये सवाल जिनका जवाब चन्नी सरकार देने में फंस रही है। सवाल नंबर एक, प्रधानमंत्री मोदी की इस फिरोजपुर रूट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और रास्ते में किसी तरह का गतिरोध नहीं है। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के काफिले को झूठ बोला गया और उस रास्ते से ये रूट? दूसरा सवाल, काफिला फंसा तो इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया? सड़कों को जिन प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया वो प्यारेवाला और मिश्रीवाला गांव के थे। आपको बता दें कि रिपोर्ट में पता चला है कि वहां पर प्रदर्शनकारी पहले ही 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बात की जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी के इस काफिले के साथ क्यों नहीं थे? चौथा सवाल, इमरजेंसी रूट को लेकर पुलिस ने तैयारी क्यों नहीं की रखी थी? आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं यात्रा करते हैं तो ऐसे में उनका पूरा काफिला उनके साथ निकलता है और सिर्फ एक ही रूट प्लान तैयार नहीं किया जाता है, पूरा एक मैप तैयार होता है। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को निकलने के लिए कंटिनजेंसी प्लान चाहिए होता है, तो वो वैकल्पिक रास्ता इस फिरोजपुर के लिए तैयार क्यों नहीं किया गया था? पांचवा सवाल, प्रदर्शनकारियों को कौन दे रहा था अपडेट? जी हाँ, प्रदर्शनकारी पहले से वहीं मौजूद थे और बकायदा वीडियो में सुना गया कि ये सभी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के इस काफिले को वापस लौटाने पर किस तरह से खुश हो रहे थे। तो आखिर उन्हें ये पल पल की खबर कौन दे रहा था? भले ही आपको प्रधानमंत्री पसंद ना हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात सभी को समझनी होगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के रास्ते में जो भी आएगा उसे अब इस बात पर सवाल का जवाब ज़रूर देना होगा।